everyone, welcome back to my channel. I am Himani and I hope you all are doing well. So, आज मैं आई हूँ आगरा फोर्ट में, जिसे मुगल एम्परर अकबर ने 1573 में बनवाया था। ये फोर्ट ताजमहल से 2 किलोमीटर आगे है और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस फोर्ट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उत्तर प्रदेश की आगरा सिटी को मुगल्स की कैपिटल सिटी कहा जाता है। इस सिटी में सिचुएटेड है यहाँ का फेमस आगरा फोर्ट। आगरा सिटी के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में ये जगह ताजमहल के बाद मोस्ट विजिटेड प्लेस है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट टूर दूंगी इस फोर्ट का। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आगरा फोर्ट को लाल किला और बादलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस फोर्ट का एंट्री टिकट इंडियंस के लिए 50 रुपीज पर पर्सन है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 650 रुपीज पर पर्सन है। फोर्ट के चारों तरफ 70 फीट ऊंची दीवारें बनाई गई हैं, जिससे कोई आसानी से किले में एंटर ना कर सके। आगरा फोर्ट में भी ताजमहल की तरह ड्रोन, ट्राइपॉड और बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड है। ये जो गेट आप सामने देख रहे हैं, इसे वेलकम गेट और अकबरी गेट के नाम से जाना जाता है। इसी वेलकम गेट से होते हुए आप फोर्ट में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्री में रैम बनाया गया है, जिससे मुगल आर्मी लड़ाई के समय पर दुश्मन पर पत्थर से हमला करती थी। आगरा फोर्ट में देखने के लिए सबसे फेमस जगह है दीवाने आम, खास महल और शीश महल। ये है जहांगीर का बाथ टब, यानी कि स्नान कुंड। ये कुंड सिंगल पीस स्टोन में बनाया गया था और इसमें चढ़ने और उतरने के लिए साइड से सीढ़ियां बनाई गई हैं। ये जो सुंदर महल आप देख रहे हैं, इसे जहांगीर महल और रंग महल के नाम से जाना जाता है। ये महल राजस्थानी आर्किटेक्चर से बनाया गया है। In 1558 में मुगल एम्परर अकबर जब आगरा आए, तो उन्होंने आगरा सिटी को अपनी कैपिटल सिटी बनाया और अपने रहने के लिए इस किले को बनवाया था। इस किले को बनने में 8 साल का समय लगा था और 1573 में ये किला बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने टाइम टाइम पर किले को और एक्सटेंड किया। आगरा फोर्ट की मेन अट्रैक्शन है ये मैजिक विंडो। इस विंडो को यमुना नदी से आने वाली ताजी हवा के क्रॉस वेंटिलेशन के लिए यूज किया जाता था। यहाँ से सामने की तरफ ताजमहल और यमुना नदी भी दिखाई देती है। आगरा फोर्ट को मुगल आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया था और इसे बनाने के लिए रेड सैंडस्टोन मार्बल और व्हाइट मार्बल का यूज हुआ था। ये है दीवाने खास, जिसे शीश महल भी कहा जाता है। ये राजा और रानी का कमरा हुआ करता था और इस महल को पहले गोल्ड और डायमंड से बनाया गया था, पर समय के साथ ही सारा गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स चोरी हो गए। शीश महल के बाद आगे बना हुआ ये है मुसम्मन बुर्ज, जिसमें औरंगजेब ने शाहजहां को 8 साल तक नजरबंद करके रखा था। इस महल को दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल भी कहा जाता है।
ये गार्डन जो आप देख रहे हैं, इसे अंगूरी गार्डन भी कहा जाता है। मुगल काल में यहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे, जिससे जहांगीर के लिए वाइन बनाई जाती थी। आगरा फोर्ट में हर रात को दीवाने आम में 7 से 8 बजे तक लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें आगरा फोर्ट की हिस्ट्री बताई जाती है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।